सुस्वागतम वेलकम वणक्कम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका असली दंगल में। पूजा गहलोत इस समय एक्शन में है दोस्तों। क्रिस्टियाली लेमोफैक जो कि स्कॉटलैंड की है उनके सामने, और ये है ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। मैं हूं सुनील तनेजा, मेरे साथ हैं हमारे दिग्गज पूर्व पहलवान और दिग्गज कमेंटेटर कृपा शंकर बिश्नोई साहब। धन्यवाद सुनील, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है। हालांकि सुबह के मुकाबले के दौरान पूजा ने स्कॉटलैंड की इस पहलवान को 12-2 के स्कोर से हरा चुके थे। राउंड रोबिन के मुकाबले हर पहलवान आपस में दूसरी बार भी भिड़ सकते हैं, और ये दोनों ही पहलवान अपने अपने मुकाबले हारने के पश्चात फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक बार दोबारा आमने सामने हैं। स्कॉटलैंड की ये वही पहलवान है जो दंगल फिल्म में फतिमा सना शेख से कुश्ती मुकाबला सेमीफाइनल लड़ा था। इस बार दो अंक, पिछली बार भी इन्होंने शुरुआत की थी दो अंक लेने की, इस बार पूजा ने थोड़ी सी गलती की उसका पूरा फायदा। लाल परिधान में है भारत की पूजा, 50 किलो वर्ग का ये ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है स्कॉटलैंड की पहलवान नीले वस्त्र में। और अब तक हमने जितने भारतीय रेसलर्स को देखा है किसी ने निराश नहीं किया है। जितने हमारे रेसलर मेडल मैच तक पहुंचे हैं उतने ही मेडल्स भारत को मिले हैं, और बिल्कुल पूजा गहलोत से पूरी तरह से आशा भारत की यहां से ब्रॉन्ज लेकर जाएं। 2-0 से फिलहाल स्कॉटिश पहलवान आगे चल रही हैं, उनका उनके मुल्क के नाम के आगे कनाडा गलती से लिख दिया गया था, इसीलिए ग्राफिक ठीक किया जा रहा है। और पूजा को यहाँ ठीक करने के लिए, मामला वापसी करने के लिए कृपा जी क्या करना है? सुनील देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ही स्ट्रांग है पूजा, और ये देखिए दो अंक का बटोर लिए। हालांकि ये कुश्ती दो बार हो रही है इनकी, गट रेंच 2 पॉइंट और तो 2 और 2 4 हो गए हैं, और 2 6 जितनी बार घुमाइएगा 8 उतनी बार 2-2 पॉइंट मिलेंगे, जितनी बार टर्न किया उतनी बार 2 पॉइंट, 10 एक बार और करना है बस। लीजिए टेक्निकल सुपीरियरिटी बनते बनते रह गई क्योंकि पैसिविटी जोन में आ गए थे, स्कोर वो रहा 8 पॉइंट से पूजा आगे है, एक दाव सीधा पड़ा, मामला पक्ष में आ गया। सुनील मजे की बात है कि सुए का मुकाबला इन दोनों पहलवानों का पहला मुकाबला था, इन्हीं के बीच में था, और 12-2 से पूजा ने वो मुकाबला जीता था टेक्निकल सुपीरियरिटी के अनुसार। और अब पूजा अगर दोबारा 1-2 अंक और ले लेती है तो सेम मुकाबला बन जाएगा जैसे सुबह जीता था, फिर बार बार वही पोजीशन दोहरा रही है। और वेबसाइट पे पढ़ के लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि वही नाम है वही रिजल्ट है। ओ टेक डाउन के लिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा प्रतिरोध आया जरूर था, लेकिन लग रहा है कि पूजा पहले राउंड में ही ब्रॉन्ज मेडल लेके जाने वाली हैं। और अगर यहां पूजा ब्रॉन्ज मेडल जीतती है तो दिव्या काकरान के बाद कुश्ती का ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल होगा। इससे पहले हमने गोल्ड ही गोल्ड देखे हैं कल, और पहला राउंड खत्म हो चुका है। क्रिस्टियाली लेमोफाक जो स्कॉटलैंड की हैं, शुरुआत उन्होंने की थी 2 पॉइंट से, लेकिन उसके बाद पूजा ने एक मूव लगाया और गट रेंच मार मार के 10-2 की लीड बना ली, और शानदार ब्रेक लाइटिंग के साथ में बहुत ही बेहतरीन टीवी स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा है। और ये देखिए क्या मूव, सीधे पैर पे अटैक क्या था, सिंगल लेग अटैक, और उसके बाद ताबड़तोड़ भरंदाज जिसे गट रेंच कहते हैं एक के बाद एक लगाया और स्कोर 10-2 पर पहुंचा दिया है। जोन से बाहर निकलने के फलस्वरूप रेफरी ने फिर छुड़ाकर सेंटर रेसलिंग एरिया में किया, वरना ये 2 अंक और भी वहां बन सकते थे। जो वहां नहीं बना आशा करते हैं इस बार बने, और जल्दी से जल्दी पूजा गहलोत भारत के लिए एक और मेडल सुनिश्चित करें। जब जब रेसलर एक्शन में होते हैं मेडल की आशा अपने आप बंधने लगती है, और कल रेसलर्स ने ही भारत की मेडल टैली में अच्छी खासी वृद्धि की थी। फिलहाल भारत के पास 30 मेडल हैं, 9 गोल्ड मेडल हैं उसमें से 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, और संभवतः 11वां ब्रॉन्ज भी आने वाला है। क्रिस्टियाली लेमोफैक लेचिटिजियो जो कि स्कॉटलैंड की हैं, पहले 2 पॉइंट उन्होंने लिए थे पर बेहतरीन वापसी की पूजा गहलोत ने। लेग अटैक हो गया है और अब देखते हैं कि क्या यहां से टेक डाउन की पोजीशन में जाएंगी। बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल आ गया है,
12-2 से टेक्निकल सुपीरियोरिटी से पूजा गहलोत ने ये ब्रॉन्ज मेडल मैच जीता और भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल मिला के 31वां मेडल दिलवा दिया। दोबारा वही कहानी दोहरा दी है पूजा ने, क्योंकि सुबह भी मुकाबला 12-2 से जीते थे और इस बार फिर 12-2 से जीत के भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और कुश्ती का यह दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। कहीं जाइएगा मत, अभी और भी मेडल आने हैं।